नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक ही वीडियो में वास्तु की समस्त जानकारी आपको मिलेगी। वास्तु के विषय में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई जाती हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, घर में किचन कहाँ पर होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ पर होना चाहिए, मुख्य दरवाजे पर क्या सावधानियाँ, तमाम तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वास्तु के संबंध में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, घर का जो ईशान कोण है, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण है उसको ईशान कोण कहते हैं। वह आपके प्लॉट में दबा हुआ नहीं होना चाहिए, वह थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए या समतल होना चाहिए। ईशान कोण यदि आपके घर में थोड़ा भी दबा हुआ है तो समझ लीजिए कि टेंशन, तनाव, धन में हानि, चिंता, परेशानी, बहुत तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। साथियों, जिस घर में ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वहाँ पर टूटा फूटा सामान, खंडित सामान, पुरानी बिगड़ी हुई तमाम तरह की मशीनरीज, पुराने कपड़े, जूते चप्पल इत्यादि रखे रहते हैं या वहाँ पर पानी का निकास होता है, खासकर गंदे पानी का निकास, तो उस घर में कभी भी सुख शांति का माहौल नहीं रह सकता। वहाँ पर आपको तमाम तरह की परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। यह बेहद गलत है और यह वास्तु का एक ऐसा दोष है जो बड़ी बड़ी समस्याओं को बुला करके ला सकता है। तो ईशान कोण को बिल्कुल साफ शुद्ध रखें। थोड़ा सा आपके घर में ईशान कोण उठा हुआ हो तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर आपका मंदिर, पूजा पाठ का स्थान होना चाहिए, यही हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। दूसरी बात, आपके घर का जो जीना है, जो सीढ़ियाँ हैं, वह डायरेक्ट दक्षिण में नहीं जानी चाहिए। डायरेक्ट दक्षिण में सीढ़ियों का जाना बेहद अशुभ माना जाता है। साथियों, प्रयास करें घर में कहीं थोड़ा बहुत कच्चा स्थान अवश्य होना चाहिए। अगर आपका घर बड़ा है तो थोड़ा बहुत घर में कहीं ना कहीं कच्चा स्थान ज़रूर होना चाहिए। अगर कच्चा स्थान नहीं है तो मिट्टी का एक गमला भी रख सकते हैं। जहाँ तक बात है आपके रसोई घर की, जो अग्नि कोण है दक्षिण और पूर्व के बीच में, वहाँ पर आपकी किचन हो तो वह सर्वोत्तम है। पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में भी किचन आपकी हो सकती है, लेकिन यदि आपकी किचन दक्षिण और पश्चिम के कोने में है तो यह सदा बीमारियों को निमंत्रण देने वाली एक बात होती है। दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा है वहाँ पर आपके वॉशरूम होना चाहिए, टॉयलेट होनी चाहिए, क्योंकि वह दिशा नरक की दिशा मानी जाती है। साथियों, अब आते हैं मेन गेट पर। आपके जो मेन गेट है, जो द्वार है, आपका मुख्य द्वार है, उसमें जो दाएं वाला जो हिस्सा है वह बड़ा होना चाहिए और बाएं वाला छोटा होना चाहिए। जहाँ आपका गेट बना है, बीचों बीच गेट ना बना करके थोड़ा सा गेट इधर को बनाइए। राइट साइड बनी की दीवार बड़ी होनी चाहिए, लेफ्ट साइड की दीवार थोड़ी छोटी होनी चाहिए। इससे धन में बरकत रहती है और यह हमारे धर्मशास्त्रों के हिसाब से बेहद शुभ माना। मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।